हेलो, मैं हूँ केरवा डैम, जो कि भोपाल से 5 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा अंदर है, और जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास में ही है। यहाँ आया, देखा तो इतना सुंदर लगा कि फिर मेरा मन ही नहीं करा कहीं जाने का। ये आप खुद देख सकते हो, तो कैमरे में नहीं आ रहा है, जब रियलिटी में आके देखोगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि जन्नत कहाँ है। लोग कश्मीर जाते हैं और हमारे घर के पास जन्नत है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या है? लोग ना यहाँ पर आते ज़रूर हैं, मज़े लेते हैं, सारी चीज़ें, मतलब खाना पीना सब कुछ करते हैं, बस तो सबसे बड़ा ये ध्यान नहीं देते कि यार हम अगली बार आएंगे तो हमें यहाँ इतना ही खूबसूरत लगना चाहिए क्या, इतना ही सुंदर लगना चाहिए क्या, लेकिन ये सोचते नहीं है ना। समस्या तो बस यही है, इसीलिए आज हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इतनी सारी चीज़ें क्यों हमें देखने को पड़ रहा है, कोरोना वायरस हो गया, ये सब चीज़ें हमारी तो गलतियां हैं। ये देखो आप, इतनी सुंदर जगह है कि मज़े ही आ जाना है बिल्कुल। मतलब मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हो जाए कभी कभार, बट मेरे को आता वाता नहीं है, फर्स्ट टाइम है ये। ये देखिए आप, इनक्रेडिबल यार, इनक्रेडिबल। ये देखिए आप, बट समस्या ये कि यहाँ लोग गंदा बहुत करते हैं। अगर कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मुझे नहीं पता कि 10 भी व्यूज़ आएंगे, और मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये जो स्थान हमारा है मुख्य भोपाल में स्थित है, ना कि किसी बाहर के क्षेत्र में। आप सोच तक, यहाँ तक कि भोपाल के लोगों को पता नहीं है कि भोपाल में भी इस प्रकार का प्राकृतिक क्षेत्र हो सकता है। सही बात, आप खुद देख सकते हैं इतना प्यारा विहंगम दृश्य है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की जानकारी नहीं है। लोग आते हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं केंद्रित करना नहीं चाहती है। शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। इस प्रकार के स्थानों को हम संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ लोग आए, तो सरकार का कोई दायित्व नहीं है ताकि का। देख आप खुद देखिए, आप यहाँ पर पूरा क्षेत्र भोपाल से कोई दूरी नहीं है, भोपाल के अंदर ही क्षेत्र पास में है। गाइस बस थोड़ा सा कोशिश करिए कि खाना पीना जितना खाना है खाइए, नाचिए कूदिए, जो करना है करिए, दारू पिए मर जाइए, जो करिए आप, बस ये कि कचरा ना फैलाइए बस, क्योंकि इसको ना अपने को अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी बचाना है। आपको पता है कि कितनी ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर 1% मेरे को नहीं लग रहा कि पोल्यूशन होगा, पर ये है कि अगली पीढ़ी के लिए इसको बचा लीजिए, बस यही हम कर सकते हैं। बस कचरा करें तो इतना करें कि उस कचरे को लेके चले जाएं, ये नहीं कि उस कचरे को अपन यहीं फेंक के चले जाएं। आपको हम लोग दिखा सकते हैं कहाँ कहाँ कचरा, ये देखिए देखिए आप, शायद आपको अच्छे से ना दिखे बट देखिए आप, फिर भी ये पॉलिथीन वगैरह ये सब चीजें, पानी में भी कचरा आ रहा है। जानवर तो खाते नहीं होंगे ये कचरा, वो खाते में तो बेचारे मर जाते हैं, मर जाते तो यही बदबू आती, फिर उनकी बदबू आती तो फिर आप लोग कहते हो कि बदबू आती है यार, यहाँ तो गंदी जगह है, तो गंदा कौन बना रहा है, हम ही तो बना रहे हैं ना। ये बॉटल्स वगैरह फेंक रहे हैं यार, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज़ों पर, है ना। ये देखो ये क्या है, वट इज दिस, यहाँ क्या जरूरत है इन सब चीज़ों की? पत्थर देख रहे हो आप, पत्थर से कभी पोल्यूशन होता है? पोल्यूशन हम खुद करते हैं यार, और फिर कहते हैं कि पोल्यूशन इतना है, मास्क लगा लो और ये लगा लो और वो कर लो, ये सिगरेट पी रखे हैं, अगर ध्यान दे रहे हैं तो प्लीज़ अगर थोड़ा बहुत शेयर करना चाहें मेरी वीडियो को तो शेयर कर सकते हैं। बाकी मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि लाइक मिलेगा कि शेयर मिलेगा, मुझे पता है 10 लोग नहीं देखना चाहेंगे ये पूरा वीडियो। अगर मैं होप कर सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपसे मेरा तो प्रॉमिस है कि मैं नहीं करूँगा कभी ऐसा, और जो मेरे साथ में लोग हैं वो भी नहीं करेंगे, बट कृपया करके थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगली पीढ़ी के लिए हमें इन सब चीज़ों को बचाना है, प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।